गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास थर्ड, एक्सरसाइज 13 बी। इसको आपको मेजर करना है। तो देखिए, मेजर के लिए आप जीरो से शुरू करेंगे, जीरो पे रखेंगे और इसको, ये 4 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो आपको केवल जीरो, ये जो ए पॉइंट है इसको जीरो पर रखिए और इसको मेज़र कर लीजिए। देखिए 4 तक जा रहा है, 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपको कैसे करना है, देखिए 0 पर ही रखना है इसको और ये 8 तक जा रहा है। देखिए 8 तक जा रहा है, यानी ये कितना है 8 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको मेज़र करके स्केल की सहायता से यहाँ 8 लिख देना है। इसी तरीके से थर्ड को 0 तक ले जाइए, जो ये एक्स पॉइंट है, ये कितना है एक्स पर रखा, 0 पर रखा तो ये कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर एस टी को मापने के लिए हम 0 पर रखते हैं, 0 को पॉइंट पर रखते हैं और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें इन दोनों में देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 4 सेंटीमीटर वाला। 4 सेंटीमीटर वाला सबसे शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट कितना है 4 सेंटीमीटर। और जो सबसे लॉन्गेस्ट है, जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पहले वाले का नाम है ए बी, ए बी लाइन है, सेगमेंट है। दूसरा लाइन सेगमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा पी क्यू है। इसी के साथ ये क्या कहते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप करिए। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, 8 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। देखिए इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट लेंथ और लॉन्गेस्ट, जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसको माइनस करना है, बड़े में से छोटे वाले को। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है हमें, तो देखिए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। तो 0 पर आपने एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट आपने 3 सेंटीमीटर की खींचनी है तो एक 3 पर ले लिया। देखिए यहाँ इन दोनों को मिला दिया और इनको नेम कर दिया, इनका नेम कर दिया क्या, सी और डी। ये सी हो गया, ये डी हो गया और नीचे लिख लीजिए ये कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो आसानी से आप बना लेंगे। 10 सेंटीमीटर का आपको खींचना है, एक 0 पर पॉइंट लीजिए, 0 पर पॉइंट लिया, एक 10 पर पॉइंट लीजिए, 10 सेंटीमीटर का खींचना है और इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ये एक लाइन बन जाएगी, सॉरी देखिए ये एक लाइन बनेगी 10 सेंटीमीटर की। आप स्केल से बनाइएगा और पेंसिल से बनाइएगा ताकि आपसे गलत हो जाए तो इरेज कर लें। इसका नाम क्या दिया गया है, ई एफ। ये ई हो गया, ये एफ हो गया और इसका मेजरमेंट कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर का खींचना था तो 10 सेंटीमीटर नीचे लिख दिया। इसी तरीके से बाकी आप करिएगा। थर्ड नंबर देखिए, इसमें आपको एक फिगर दिया गया है, आपको मेजर करना है, मेजर करके भी दिया गया है आपको पी क्यू कितना है। पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर लिख दिया। क्यू आर, क्यू आर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर लिख दिया। आर और एस, आर ये है, यस ये है, ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर लिख दिया। एस और पी 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर लिख लिया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।